हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम एक और डिस्कवरी कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं जिसका मॉडल तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आप इंडिकेटर देख सकते हैं। इसके आज हम कैलिब्रेशन भी सीखेंगे, उसके अलावा इसकी कैपेसिटी, डिवीजन और डेसिमल पॉइंट और ये सब कुछ जो हम सीखेंगे कि ये किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बोर्ड दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं बोर्ड इसका। ये आप ये बोर्ड देख सकते हैं कि कौन कौन से कनेक्टर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अब हम ये सीखेंगे कि इसकी हमने अगर डेसिमल पॉइंट वगैरह जो हमने चेंज करने हैं वो हमने कैसे करने हैं। जी फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और वेइंग स्केल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग वेइंग स्केल की प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप लोग वेइंग स्केल का बिजनेस करते हैं और वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन और उनकी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप वेइंग स्केल इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर हो और वेइंग स्केल की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के ऊपर फौरन क्लिक करें ताकि वेइंग स्केल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको सबसे पहले। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम ये सीखेंगे कि इसकी हमने अगर डेसिमल पॉइंट वगैरह जो हमने चेंज करने हैं वो हमने कैसे करने हैं। तो ये जब इंडिकेटर ऑफ होगा तो हमने सेट के बटन को प्रेस करते हुए रखना है और इंडिकेटर को पीछे से ऑन करना है। जब इसकी रीडिंग 2 या 3 तक पहुंच जाएगी तो हमने सेट के बटन को छोड़ देना है, और जब ये रीडिंग 0-0 तक आएगी हमने सेट के बटन को दोबारा प्रेस करना है। तो यहाँ पर PS ये पासवर्ड शो करेगा। पासवर्ड इसका अगर हमने कैलिब्रेशन करनी है उसका 8888 पासवर्ड है, और अगर हमने कैपेसिटी वगैरह चेंज करनी है उसका 2003 ये पासवर्ड है। उसके बाद हमने एंटर को प्रेस करना है, ये इसका डिवीजन आ गई है। उसके बाद हम एंटर करेंगे, ये इसकी फुल कैपेसिटी आ गई है। इसी तरीके से ये इसका यूनिट आ गया है और ये सारी इसकी सेटिंग है, ये बकाया सेटिंग हमने नहीं छेड़नी है, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा अगर सेट का बटन प्रेस करेंगे फिर ये पासवर्ड पूछेगा। अब हमने अगर 0 कैलिब्रेशन या स्पैन कैलिब्रेशन करनी है तो हमने 888 ये पासवर्ड देना है। उसके बाद हम फिर एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉल -0 और 1 आ रहा है। अगर हमने यहाँ पर 0 कैलिब्रेशन करनी है तो 0 का बटन को प्रेस करेंगे और एंटर के बटन को प्रेस करेंगे, और इसी तरीके से अगर हमने स्पैन कैलिब्रेशन करनी है तो दोबारा सेट के बटन को प्रेस करते हुए 0 0 0 पासवर्ड देंगे 8888। उसके बाद दोबारा एंटर के बटन को प्रेस करेंगे और जो भी कॉल 1 आ रहा होगा यहाँ पर हमने स्पैन वेट की रीडिंग देनी है। फर्स्ट करें, इस टाइम हमारे पास स्पैन वेट जो है उसकी रीडिंग 2 टन है, तो हमने ये 2 टन यहाँ पर लिख देंगे। या आप देख सकते हैं कॉल 1 के बाद ये 2 टन लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने गाड़ी जो है वो भी डेड वेट जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है, और डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर रखने के बाद हमने एंटर के बटन को प्रेस करेंगे, ये रीडिंग सेंस करेगा और इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी क्योंकि इसके साथ लोड सेल नहीं लगा हुआ ये एरर दे के ये दोबारा बाहर आ गया है। तो ये इसकी कैलिब्रेशन है। उसके अलावा अगर आपको स्केल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं।